अनुभूति कर पाएंगे। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के उस हिस्से की तरफ जिसका रोजाना हम सभी को रहता है इंतजार, बात आज के राशि फल की। तो आज क्या करें और क्या ना करें आचार्य जी? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। आज का दिन आपको दूसरों के साथ व्यावसायिक व्यवहार के संदर्भ में भाग्यशाली बना देगा। आप एक लोकप्रियता हासिल करेंगे, व्यापार से आपकी कमाई बढ़ेगी और आपको अधिकारियों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों का आज रुका हुआ धन वापस मिलने का संयोग बनता है। अधूरे काम आसानी से आज पूरे होना तय है। व्यापार में साझेदारी से आपको लाभ होगा। लव मैट का पूरा पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आइए बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के सितारों की स्थिति आपके लिए बहुत खास बनी हुई है। आज आप सक्रिय रहेंगे, ऑफिस में नया काम या नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। आइए बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोग आज मन में व्याग्रता रहेगी और नतीजों की चिंता किए बिना मेहनत करें, काम या भी आपको आज अवश्य मिलेगी। ऐसी संभावना है कि आपको भूमि के सौदों से बहुत अच्छा लाभ मिलना तय है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोग आज कुछ भी करेंगे उसमें आप बहुत उत्साही रहेंगे। सुविचारित निर्णय लंबे समय तक प्रभावी रहने वाले हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि। आज कन्या राशि वाले लोगों को लोग आपके रहन सहन और पहनने ओढ़ने की तारीफ करेंगे। इसी राशि के कॉमर्स के स्टूडेंटों को अपने साथियों से या विद्यार्थियों को बहुत सहयोग मिलेगा। किसी विषय में आ रही समस्या आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आइए बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोग कुछ रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और आपकी नौकरी या बिजनेस में समय पर आपको सहयोग नहीं मिलने से आप परेशान थोड़ा रह सकते हैं। कुछ लोग आपके काम का विरोध भी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। आज आप किसी पुराने दोस्त या परिवार के साथ बाहर घूमने जाने का बहुत बातचीत करके आनंद ले सकते हैं। रोजगार से जुड़े अवसर आपको हासिल होने की संभावना बनती है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि। आप शैक्षणिक रूप से बहुत सफल होंगे और आपका नाम प्रसिद्धि व्यापक होगी। आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे और आपका आत्मविश्वास स्तर भी काफी बढ़ेगा। आइए अब बात करते हैं मकर राशि। आज रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। बच्चों से किसी मामले को लेकर के आप असहमत हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज दिन बहुत अच्छा कहा जा सकता है। ऑफिस में आज आपके साथी लोग काफी मदद के लिए आगे रहेंगे। आइए अब बात करते हैं मीन राशि। संतान से दूर रह रहे लोगों को आज अपने बच्चों से मुलाकात होगी। आज किसी कार्यक्रम में शामिल होने का आप सोच सकते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा राशिफल है। बिल्कुल आचार्य जी, और निश्चित रूप से जो राशिफल है वो भी लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है, क्योंकि वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करें, क्या करें आज, क्या ना करें, इस बात को लेकर भी लोग रोज़ाना कहीं ना कहीं कुछ प्लान करते हैं। लेकिन जो विषय राहु काल का है, हमने ये तो जान लिया आपके ज़रिए कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो राहु काल में वर्जित हैं या नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या इसके कोई उपाय भी हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके की कोई चीज़ कर चुका है तो उससे उपाय अगर करता है तो अपने आप को बचा सकता है? देखिए, आपने आशीष जी बहुत अच्छा प्रसंग रखा है। निश्चित रूप से जो लोग राहु काल में अपना कार्य शुभारंभ कर देते हैं
या हो जाता है उनसे, तो उन्हें चाहिए कि तेल के अंदर अपना चेहरा देख करके उस तेल को शनि को छड़वा दें, तो फिर जो आपके द्वारा राहु काल में कार्य हुआ है उसका दोष उतना प्रभावी नहीं होगा जो पूर्णतः अपना नुकसान करने की स्थिति में था। इसलिए ऐसा करने से ये दोष थोड़ा परिहार होता है, ठीक है, और वो दोष का निवारण होता है। राहु काल जी, बिल्कुल आचार्य जी, एक सोशल माध्यम से हमारे पास एक प्रश्न है। एक बुजुर्गवार हैं विजेंद्र पाल सिंह साहब जी, दरअसल उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक है लेकिन जन्मतिथि नहीं पता है चूंकि बुजुर्ग हैं, और प्रश्न कुंडली के हिसाब से इनके लिए आप बताइए, इनके कई बार दुर्घटनाएं इनके साथ हो चुकी हैं, कई बार एक्सीडेंट हो चुका है, तो इनका प्रश्न यही है कि क्या इस तरह के बार बार मेरे साथ में जो दुर्घटनाएं होती हैं उसका कारण क्या है और इसके लिए क्या कुछ उपाय ऐसे हो सकते हैं जिसके बाद कम से कम इस तरह की परिस्थिति में ना जाए। इनका नाम क्या है साहब? विजेंद्र पाल सिंह। देखिए विजेंद्र पाल सिंह जी 2-3 मेन भाई होते हैं और इनको ये काफी 8-9 महीने से समस्या हो रही है। और रहा दुर्घटना की बात, तो दुर्घटना कोई किसी भी प्रकार का कोई किया करा है इनको नज़र नहीं आ रहा है, किसी और प्रभाव से नहीं, इनका केवल दुर्घटना होना ये एक संयोग हो रहा है, बाकी इनके घर में कोई पितर दोष की जैसी स्थिति भी नज़र आती है। इसे इनको रोज़ सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और अपने घर में गंगा जल गौमूत्र को मिश्रण करके और पीले फूल से पूरे घर में छिड़कें, ये करने से पितर दोष या किसी भी प्रकार की नज़र या हाई नज़र जो होती है उसका निवारण होता है। इसे ये करना चाहिए। विजेंद्र जी बहुत अच्छे जो है, एकदम इनका मंगल रहेगा और ये बिल्कुल अच्छे रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आज की इस जानकारी के लिए जी। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो, शुभाशीष। तो आज के लिए भाग्य फल में मेरे और आचार्य जी के साथ बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।